लेकिन कुछ भी कह लो, तुम्हारी बात ही अलग है। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, लेकिन तुम्हारी बात ही अलग है। याद आता है वो 45 एकड़ का कैंपस जहाँ जीवन कभी नहीं हुआ नीरस। वो वातावरण की हरियाली लगे किसी सूफी संत की कवाली। वो मास्कों वाला चौक, वो चुंड वाला मॉर्निंग वॉक, वो अम्ब्रेला पॉइंट के जोड़े न जाने कितनों के दिल तोड़े। वो ए ब्लॉक टू एच ब्लॉक जहाँ दिन रात करते थे हम रॉक। वो मास्कॉम एमबीए का तकरार, वो वाटर एनर्जी का इंजीनियरिंग वाला प्यार, वो नैनो वालों का गेट निकालना, वो जियो वालों का फील्ड ट्रिप पे जाना, वो लैंग्वेज के बच्चों का स्वैग, चाइना कोरिया के लिए रेडी रहता सबका बैग। याद आता है वो हमारा ऐतिहासिक सभागार जहाँ हमने किया बड़े बड़े हस्तियों का आभार। वो न्यू एकेडमिक बिल्डिंग का बैडमिंटन कोर्ट, जहाँ ऊपर से गया तार करता था सबको सपोर्ट। वो डस्टबिन बन चुका कुआं, वो मच्छर भगाने वाला धुआं, वो कॉमन रूम का क्रिकेट मैच जहाँ साथ झूमते थे हर एक बैच। वो हॉस्टल के पास का स्टेज जहाँ होती थी बैठकों का अलग क्रेज। याद आता है वो भूत पिशाच वाली कहानी, सिक्योरिटी गार्डों ने सुनाते बिता दी जवानी। वो कैंटीन की मीठी चाय जहाँ लोगों की होती अपनी अलग राय। वो लाइब्रेरी की खामोशी जहाँ किताब देखते छा जाती बेहोशी। वो गर्ल्स हॉस्टल का डगर, सीधे साधे लड़कों का भी होता तिरछा नजर। वो एफ ब्लॉक के सामने की सीढ़ी जिसने देख ली बच्चों की एक पीढ़ी। याद आता है वो विश्वकर्मा पूजा में खिचड़ी का प्रसाद, सरस्वती पूजा भी आता है याद। वो जन्माष्टमी की मस्ती जब मंदिर बन जाती गोविंदों की बस्ती। वो कर्मा पूजा की भी है अलग याद, भोजपुरी नागपुरी को लेकर होता हर साल विवाद। याद आता है वो अमित भैया के गाने लोग सचिन गिटारिस्ट के थे दीवाने। वो धरना प्रदर्शन भी था भारी जब जाग उठे सारे क्रांतिकारी। वो हमारा सुंदर सा एडमिन, वो सैंडाई के काले दिन, वो न्यू कैंपस के वादे, बीजेपी के राम मंदिर जैसे थे इरादे। वो बाहर वाला तालाब जहां उमड़ता भावनाओं का सैलाब। याद आता है वो इंटर हाउस वाले गेम जहां बनता सबका नेम और फेम। वो क्रिकेट का मैदान जहां होता पेड़ों का दुकान। वो वॉलीबॉल का जंग जब उड़ते खेलों के जज्बे वाले रंग। वो महिला क्रिकेट का आयोजन जहाँ लड़कियों से ज्यादा लगा लड़कों का मन। वो ईस्ट जोन का कहर, वो कॉस्को टूर्नामेंट का लहर। वो खेलों का उत्सव खेलोत्सव जहाँ लगता कला और संस्कृति का महोत्सव। याद आता है वो चाची की दुकान, वो गोलू अंक के सुमित की मुस्कान, वो अरविंद भैया की कहानी, वो मेस वाली नानी, वो सॉल्ट एंड पेपर का बर्गर 100 रुपए में खा लो पेट भर, वो गुड्डू जी के समोसे 5 साल नाश्ता चल गया उनके भरोसे, वो विक्की भैया का जनरल स्टोर, प्रिंट आउट के लिए लगाना पड़ता था जोर। याद आता है वो सीनियर जूनियर वाला भाईचारा, हर कोई होता किसी का दुलारा। वो आखिरी समय में जोहार चौकी का आना, हर आखिरी शाम घंटों वहीं बिताना। वो लम्हा जब हमारी हो गई विदाई, पता भी ना चला कैसे हमने पांच साल बिताए। ऐ मेरे प्यारे सी यूजे, आज फिर तेरी याद आई।